Hello friends, today we are going to discuss on about the plagiarism. This is a very big problem in the present time regarding the researchers as well as the teachers also. So what is this plagiarism? Plagiarism is just simply the sahityik chori, yani ki that is the theft case. Generally hum log jab bhi koi paper likhte hain thesis likhte hain to hum reference dete hain apni baat ko jo hai sabit karne ke liye specific reference diya jata hai, ye alag part hai. लेकिन इसका संबंध साहित्यिक चोरी से कैसे है? ये अलग चीज़ है. इसमें क्या है, किसी दूसरे की भाषा, विचार, उपाय, शैली आदि का अधिकांशतः नकल करते हुए अपने मौलिक कृति के रूप में प्रकाशन करना साहित्यिक चोरी कहलाती है, प्लेगरिज्म है. तो आज हम लोग जो है बात करेंगे कि इसका समाधान क्या है, कि प्लेगरिज्म से हम कैसे बच सकते हैं. जनरली जो लोग काम कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स दिखा रहे हैं, उसमें तो बहुत ज़्यादा नहीं कुछ कहना है. लेकिन किसी की के काम का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए. लेकिन जब हम लिटरेचर रिव्यू लिखते हैं वहाँ कई चीज़ें हमें लेनी पड़ती है दूसरे के पेपर से, तो वहाँ हमें ध्यान देना चाहिए कि जब भी हम किसी के पेपर का मैटर लेते हैं एग्जैक्टली जो है रिजल्ट्स या वो, तो हमेशा उस पब्लिशर से परमिशन लें. दूसरा, यदि स्वयं का ही पेपर है और आप उसकी एक कॉपी करना चाहते हैं अपने अगले पेपर में, तो भी आपको जिस पब्लिशर से आपने उसको पब्लिश कराया है उससे भी आपको पुनः जो है परमिशन लेना होगा, दोबारा जो है उसको यूज़ करने के लिए. प्लैगरिज्म के बारे में कुछ स्पेसिफिक चीज़ है. प्लैगरिज्म मीन्स द प्रैक्टिस of taking someone else's work or idea and passing them as one's own, यानी कि अपना नाम दे देना है दूसरे एक काम पर, तो इसको प्लेगरिज्म कह रहे हैं. Without giving necessary credits, make use of others' thought, and plagiarism is a serious academic offense. प्लेगरिज्म के वो कारण जो होता है कुछ सजा भी निर्धारित हुई है. पेनल्टीज इन केस ऑफ प्लेगरिज्म इन एकेडमिक एंड रिसर्च पब्लिकेशंस, इसको चार कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3. लेवल 0 है सिमिलैरिटीज अप टू 10% है और 10-40% लेवल 1 है. लेवल 2 है आपका 40-60% एंड अबव 60% दैट इज लेवल 3. तो इसको आप चेक कर सकते हैं, कई सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, फ्रीली अवेलेबल भी है और जो है चार्जेबल भी अवेलेबल है. तो आप अपने किसी भी डॉक्यूमेंट को चेक कर सकते हैं कि उसमें कितने परसेंट प्लेगरिज्म है. अब इसमें हम बात कर लेते हैं कि इसकी सज़ा क्या है. अगर लेवल 0 में है दैट इज़ सिमिलैरिटीज़ अप टू 10% है, उतनी है अगर उसमें तो माइनर सिमिलैरिटीज़, तो उसमें कोई पेनल्टी नहीं, नो पेनल्टी. अब हम उससे ऊपर आते हैं लेवल 1 में. लेवल 1 में आपका जो है 10-40% है, तो उसमें क्या है, शैल बी आस्क्ड टू विदड्रॉ मैन्युस्क्रिप्ट, मैन्युस्क्रिप्ट को उसे रिटर्न लेना पड़ेगा. लेवल 2 में यदि ये पहुंच गया है प्लेगरिज्म, मतलब कि लगभग 40-60% यदि पहुंच गया है, तो वहाँ पे तीन तरह से सजा जो है दिया जाता है. पहला ये है कि शैल बी आस्क्ड टू विदड्रॉ मैन्युस्क्रिप्ट, वो पेपर को अपने वापस ले ले, पहली कंडीशन. दूसरा है कि शैल बी डिनाइड अ राइट टू वन एनुअल इंक्रीमेंट, एक उनका एनुअल इंक्रीमेंट रोक दिया जाएगा. तीसरा लेवल पे यदि पहुंचता है तो वहाँ पे जो है शैल नॉट बी अलाउड टू बी अ सुपरवाइजर फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स, 2 साल के लिए वो सुपरवाइजर नहीं बन सकते हैं किसी भी स्टूडेंट के. तो
तो ये लेवल टू में यदि पहुंचता है आपका पेपर, तो लेवल थ्री में यदि पहुंचता है दैट इज़ सिमिलरिटी इज़ अबव 60%, 60% से यदि ऊपर जाता है तो वहाँ पे जो होता है, ये इसमें भी तीन लेवल है। लेवल वन में है कि शैल बी आस्ड टू विदड्रॉ मैन्युस्क्रिप्ट, अपने पेपर को जो है वापस ले लें मैन्युस्क्रिप्ट को। दूसरा ऑप्शन है कि शैल बी डिनाइड अ राइट टू टू सक्सेसिव एनुअल इंक्रीमेंट, उनके जो है दो इंक्रीमेंट को रोक दिया जाएगा। तीसरा है शैल नॉट बी अलाउड टू बी अ सुपरवाइजर फॉर अ पीरियड ऑफ टू ईयर्स, और यहाँ भी जो होता है 2 साल के लिए आप सुपरवाइजर नहीं रह सकते। इन चीज़ों का अगर हम ध्यान रखें कि क्या क्या चीज़ें प्लेगराइज्ड हो सकती है तो हम इससे बच सकते हैं। जैसे कि वर्ड्स हो गया है, आइडियाज़, फाइंडिंग्स, राइटिंग्स, कंप्यूटर प्रोग्राम्स, ग्राफिक्स, रिप्रेजेंटेशंस, डायग्राम्स, ग्राफ्स, इलस्ट्रेशंस, इंफॉर्मेशन, लेक्चर्स, एनी अदर ओरिजिनल वर्क विदाउट इंफॉर्मिंग टू द स्पेसिफिक जर्नल, इट इज अ प्लेगरिज्म। एट लास्ट कंक्लूजन इज दैट हमें जो है साहित्यिक चोरी नहीं करना चाहिए, और अगर कोई मैटर ले रहे हैं तो उसका इंफॉर्मेशन यदि पब्लिश हो चुका है तो पब्लिशर को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, यदि नहीं पब्लिश हुआ है तो उस रिसर्चर को इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, और कोऑपरेट होके रिसर्च करिए, सभी कोलैबोरेट होके, लेकिन चोरी नहीं करना चाहिए। थैंक यू।